हाय एवरीवन, ये है स्नेक प्लांट की वेरीगेटेड वैरायटी, मतलब इसके बॉर्डर्स येलो हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ कि हम लीफ से कैसे इसका वाटर प्रोपोगेशन करते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है और काफ़ी इजीली ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। रूटिंग स्टार्ट हो जाती है इजीली और नए नए बेबी प्लांट्स आ जाते हैं। हम एक से ज़्यादा स्नेक प्लांट किसी भी वैरायटी के इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। रूटिंग जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, मतलब नई रूट्स आ गई हैं लीव्स में, बहुत जल्दी हो जाता है स्नेक प्लांट में। हमें या तो ऐसे वी कट बना के लीफ को पानी में रखना है, और अगर हम सिंपली लीफ को ऐसे भी रख देते हैं तो ऑलमोस्ट 1 से 3 हफ्ते के बीच में रूट्स इतनी बन जाती हैं, इतनी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं कुछ पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये प्रोसेस हमेशा सक्सेसफुल होगा। सबसे पहले कटिंग्स को हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, जो हमने लीव्स कट करके रखी हैं पानी में। पानी हमें थोड़ा कम ही लेना है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 इंच जितना, जस्ट लीव का बॉटम उसमें डिप हो जाए। टैप वाटर इज़ ओके टू बी यूज, फिल्टर्ड वाटर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बेबी प्लांट आ गया था ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में। इस पानी को हमें चेंज करते रहना है ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन के इंटरवल पे, अदरवाइज पानी में स्मेल आने लगती है और लीफ जो कटिंग्स हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। अभी ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स हुए हैं और सभी लीव्स में नए नए बेबी प्लांट्स आ गए हैं, किसी में एक है, किसी में दो हैं। और अब कुछ दिनों बाद मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी सॉयल में और वो भी आगे मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये मेरी सारी कटिंग सक्सेसफुल हैं प्रोपगेशन के बाद। इट्स वेरी इजी एंड आई होप दिस इज़ यूज़फुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।